हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 29। हम लोग अभी महाराज प्राचीनी बरही और नारद मुनि का संवाद पढ़ेंगे। पुरंजन की कहानी नारद मुनि सुना चुके हैं और अब प्राचीनी बरही को क्या समझ में आया और क्या उसके साक्षात्कार थे, उसके साथ ये अध्याय शुरू हो रहा है। श्लोक संख्या 1। प्राचीन बर्हिर्वाच भगवंस्ते वचोस्माभिर् न सम्यक् अवगम्यते कवयस्तद् विजानन्ति न वयम् कर्म मोहिता। रंगनी प्रियम, हरे कृष्ण प्रभु। राजा प्राचीन वैश्य ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम आपके कहे गए राजा पुरंजन के रूप आख्यान अनियुक्ति का सारांश पूर्ण रूप से नहीं समझ सके। वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है वे तो समझ सकते हैं, किंतु हम जैसे सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त पुरुषों के लिए आपके आख्यान का तात्पर्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो हरे कृष्ण। प्राचीनी बरही के पास प्रभुपाद के तात्पर्य तो थे नहीं, तो केवल नारद मुनि की कहानी सुन के उनको ये समझ में नहीं आया कि पुरंजन क्या है, पुरी ये नगरी क्या है, ये सांप क्या है, ये सब समझ में नहीं आया। तो पूछ रहे हैं कि बहुत आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति हो वो तो समझ जाएगा, लेकिन मैं जो भौतिक संसार में लिप्त हूँ, मुझे आपकी बात समझ, पुरंजन की कहानी ठीक से समझ में नहीं आई, तो आप यदि समझाएंगे तो इसका अर्थ मैं समझ पाऊंगा। जय माता जी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिभिगुणमये मये भर्या वैरभि सर्वमिदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेभ्य परमव्यम्। तीनों गुणों सतो रजो और तमो से मोहित यह सारा संसार मुझको नहीं जान सक पाता। मैं गुणों से परे तथा अक्षय हूँ। सामान्यतः लोग भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से मोहग्रस्त होते हैं, इसीलिए वे यह नहीं जान पाते कि इस दृश्य जगत में समस्त भौतिक कार्यकलापों के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सामान्य रूप से जब लोग पाप या पुण्य कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं तो उनका भक्ति संबंधी ज्ञान पूर्ण नहीं होता। श्री नारद मुनि ने राजा बहिष्मान से जो रूपक आख्यान कहा वह बद्ध जीवों को भक्ति में प्रवृत्त करने हेतु विशेष रूप से कहा गया है। यह संपूर्ण रूपक आख्यान भक्त द्वारा सरलता से समझ लिया जाता है, किंतु जो भक्ति के बजाय इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं वे इसे ठीक से नहीं समझ पाते। राजा बहिष्मान ने इसे स्वीकार किया। यह 29वां अध्याय बताता है कि स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति से मनुष्य अगले जन्म में स्त्री बनता है, किंतु जो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि की संगति करता है वह समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होकर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान के भक्तों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने से ही आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आता है। केवल बुद्धि होने से आध्यात्मिक ज्ञान समझ में नहीं आता है। जब तक आसक्तियां रहेंगी आध्यात्मिक ज्ञान हमारे लिए दुर्लभ रहेगा। नारद उवाच, पुरुषम पुरंजनम विद्याद्यद्यन्नक्ति आत्मनः पुरम एक द्वि त्रि चतुष्पादम बहुपादम अपादकम्। शोभा माता जी। गायत्री माता जी। नारद मुनि ने आगे कहा, तुम जानो कि पुरंजन रूपी जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों में देहांतरण करता है। जो एक दो तीन चार या अनेक पांव वाले या पांव विहीन हो सकते हैं, इन विभिन्न प्रकार के रूपों में देहांतर करने वाला जीव तथा कथित भोक्ता के रूप में पुरंजन कहा जाता है। तो उन्होंने बताया पुरंजन कौन है। पुरंजन जीवात्मा है, जो जीवात्मा अलग अलग शरीरों में प्रवेश करता है। तो अभी शिक्षा दे रहे हैं, पहले कहानी सुनाई है, उसका ध्यान आकर्षित किया है। अब जब उत्सुकता हुई प्राचीनी बरे की क्या कहानी का मतलब है, अभी नारद मुनि बता रहे हैं कि ये पुरंजन अलग अलग शरीरों को धारण करता है, जीवात्मा को ही पुरंजन बताया गया है। नीतू माता जी। तात्पर्य आत्मा एक रूप से दूसरे में
जिस प्रकार देहांतर करता है उसका यहाँ अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। एक पाद से भूतों का बोध होता है क्योंकि यह कहा जाता है कि वह एक पाँव के बल चलते हैं। त्रिपाद मनुष्य है, जब मनुष्य वृद्ध तथा अक्षम हो जाता है तो वह त्रिपाद हो जाता है क्योंकि वह ठंडे या छड़ी के सहारे चलता है, किंतु चतुष्पाद पशुओं के लिए प्रयुक्त है। बहुपाद ऐसे प्राणी हैं जिनके 4 से अधिक पाँव होते हैं। ऐसे अनेक कीड़े तथा जलचर होते हैं जिनके अनेक पाँव होते हैं। अपादक शब्द का अर्थ है पाँव विहीन, जो सर्पों के लिए प्रयुक्त है। पुरंजन ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्राप्त करके भोग करता है। भोग की उसकी यह प्रवृत्ति इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीरों द्वारा प्रदान की जाती है। हरे कृष्ण। अलग अलग जो शरीर है उनको चार पांच कैटेगरी में बांटा है। एक पाद मतलब एक पैर से चलने वाले भूतों को बताया है, दुई पाद मतलब मनुष्य, त्रिपाद प्रभुपाद बोल रहे हैं छड़ी लेकर के जब मनुष्य चलता है वृद्ध अवस्था में तो तीन पैरों वाला हो जाता है, फिर पशु चतुष्पाद चार पार पैर वाले, और फिर अनेक अनेक बहुपाद अनेक अनेक पैरों वाले कीड़े इत्यादि, और बिना पैर वाले मतलब रेप्टाइल्स सांप इत्यादि। यो विज्ञात हृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्ना विज्ञाते पुंभीर नामभीर्वा क्रिया गुणैः। गायत्री माता जी, हरे कृष्ण। जिस पुरुष को मैंने अविज्ञात कहा है वे जीव के स्वामी तथा शाश्वत मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, क्योंकि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भौतिक नामों गुणों या कर्मों द्वारा नहीं जाना जा सकते। फलतः वे बद्ध जीव के लिए सदैव अज्ञात रहते हैं। तो जो अभिज्ञता था पुरंजन के साथ कहानी में शुरू में, वो परमात्मा थे, भगवान जीवात्मा के सबसे प्रथम संगी हैं, मित्र हैं, हितैषी हैं, जिनको जीवात्मा भूल जाता है उनका नाम अभिज्ञता नाम से बताया गया। एक रिवीजन के जैसे आप लोग इसको समझ सकते। सुजाता माता, तात्पर्य, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीव के लिए अज्ञात रहते हैं, इसलिए वैदिक साहित्य में उन्हें कभी कभी निराकार, अविज्ञात या अवांग मनसा गोचर नामों से अभिहित किया जाता है। वास्तव में यह तथ्य है कि जहाँ तक रूप, नाम, गुण, लीलाओं या साज सामान का संबंध है, श्री भगवान को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, किंतु जब मनुष्य आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है तो वह उनके नाम, गुण इत्यादि सभी समझ सकता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। भक्त्या माम अभिजानाति यावा नश्चास्मि तद्वतः। जब कोई भक्ति में लगा होता है तभी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सत्य रूप से देख समझ सकता है। पाप तथा पुण्य कर्मों में प्रवृत्त सामान्य पुरुष श्री भगवान के रूप, नाम तथा कर्मों को नहीं समझ सकते, किंतु भक्त श्री भगवान को अनेक प्रकार से जान सकता है। वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका पता गोलोक वृंदावन है और उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक है। क्योंकि श्री भगवान के रूप तथा कार्यों को भौतिकता ग्रस्त लोग नहीं समझ पाते, इसलिए शास्त्रों में उन्हें निराकार कहा गया है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई रूप नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कर्मी लोग उन्हें नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में उनके रूप को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। पद्म पुराण से इसकी पुष्टि होती है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। कोई भी अपने कुंठित भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकता, किंतु श्री भगवान भक्तों की दिव्य प्रेममयी सेवा से प्रसन्न होकर भक्तों के समक्ष अपने आप को स्वयं प्रकट करते हैं। क्योंकि भौतिक इंद्रियों द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप तथा गुण नहीं जाने जा सकते, अतः उन्हें अधोक्षज अर्थात भौतिक दृष्टि से परे कहा जाता है। जब इंद्रिया भक्ति कार्यों द्वारा शुद्ध हो जाती है तो भक्त श्री भगवान के विषय में उन्हीं की कृपा से सभी कुछ समझ जाता है। इस श्लोक में कुंभीर नाम अभीरवा क्रिया गुणई ही पद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम, कार्य तथा गुण हैं, किंतु इनमें से एक भी भौतिक नहीं है। इस तथ्य के बावजूद भी कि शास्त्रों में इन नामों, कार्यों तथा लीलाओं का उल्लेख है तथा भक्तों द्वारा ये समझे जाते हैं, फिर भी उन्हें न तो कर्मी समझ पाते हैं और न ही ज्ञानी। यद्यपि भगवान श्री विष्णु के हजारों नाम है, किंतु कर्मी तथा ज्ञानी श्री भगवान के नामों के साथ देवों तथा मनुष्यों के नाम मिलाते रहते हैं। चूंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक नाम को नहीं समझते, अतः वे यह मानकर चलते हैं कि उन्हें कोई भी नाम दिया जा सकता है। उनका विश्वास है कि चूंकि परमेश्वर निराकार है, अतः वे उन्हें किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, अन्यथा वे ये मानते हैं कि उनका कोई नाम नहीं है, किंतु यह सत्य नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है नाम भीरवा क्रिया गुणे।
श्री भगवान के विशेष नाम है, यथा राम कृष्ण गोविंद नारायण विष्णु तथा अधोक्षज। निसंदेह नाम तो अनेक है, तो बद्ध जी उन्हें समझ नहीं। चेतन चरितामृत में आता है कि अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर। जो आध्यात्मिक है उनको भौतिक प्रयास से नहीं समझ सकते। कई बार लोग चुनौती करते हैं, आत्मा क्यों नहीं दिखती, भगवान क्यों नहीं दिखते, भगवान हमको दिखाओ। जब हमको एक जागतिक वस्तु को देखने के लिए भी विशेष उपकरण लगते हैं, मान लो किसी को सेल देखना है, सेल देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप चाहिए, या किसी को कोई वायरस देखना है उसके लिए भी विशेष यंत्र चाहिए, तो आध्यात्मिक वस्तु इतनी सस्ती नहीं है। आध्यात्मिक वस्तु देखने के लिए भी आध्यात्मिक गुण होने चाहिए। इसीलिए भगवान दुर्लभ है उनके लिए जो भक्त नहीं है, वेदेशु दुर्लभ और दुर्लभ आत्म भक्तों, और अपने भक्तों के लिए वो सहज बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि भगवान की सेवा भक्त लोग अपनी जिह्वा कीर्तन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से करते हैं, और फिर भगवान उनके सामने स्फुरित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जदा जिग्रह पुरुषा कार्सेनीना प्रकृतिर्गुणं नवद्वारं द्विहस्तांग्रि तत्र मनु मनुत साधु इति। मोनिका माता जी, उस रूपों में उस शरीर को चुनता है जिसमें 9 द्वार, 2 हाथ, 2 पांव होते हैं। इस प्रकार वह मनुष्य या देवता बनकर श्रेष्ठ मानता है। श्री कृष्ण, तो वो नगरी क्या है, वो पुरी क्या है? हमारा शरीर। इस विषय में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आयुष प्रभु, तात्पर्य। तात्पर्य इस बात की यहाँ पर उत्तम व्याख्या प्रस्तुत की गई है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अंश रूपी आध्यात्मिक जीव अपनी खुद की इच्छा से भौतिक देह स्वीकार करता है। 2 हाथ 2 पांव इत्यादि स्वीकार करके जीव भौतिक प्रकृति के गुणों का भरपूर भोग करता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपः। हे भारत, अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सभी जीव मोहवश उत्पन्न होते हैं और इच्छा तथा घृणा के द्वंद द्वारा परास्त होते हैं। मूलतः जीव आध्यात्मिक अस्तित्व है, किंतु जब वह वास्तव में भौतिक जगत का भोग करना चाहता है तो वह नीचे उतरता है। इस श्लोक से पता चलता है कि जीव पहले मनुष्य शरीर धारण करता है, किंतु अपने अधम कार्यों के कारण वह धीरे धीरे निम्न योनियों में पशु वृक्ष जलचर रूपों में गिरता रहता है। विकास की क्रमिक क्रिया से जीव को पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और उसे एक और अवसर दिया जाता है कि वह देहांतर चक्र से उबर सके। किंतु यदि वह अपनी स्थिति को समझने का अवसर फिर हाथ से खो देता है तो वह पुनः विभिन्न शरीरों में जन्म तथा मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। जीव इस भौतिक जगत में क्यों आना चाहता है, इसे समझना कठिन नहीं है। आर्य परिवार जहाँ मांसाहार, मद्यपान, द्रुत, यौनाचार इत्यादि पर प्रतिबंध है, वहां जन्म लेकर भी मनुष्य इन वर्जित वस्तुओं का भोग करने की इच्छा कर सकता है। कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो अवैध यौनाचार के लिए वेश्या के यहाँ जाना चाहता है या होटल में जाकर मांस खाना तथा मद्यपान करना चाहता है। कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो यात्री क्लबों में जाकर जुआ खेलने या ऐसी ही तथाकथित क्रियाओं को पसंद करता है। ये सारी इच्छाएं जीवों के अंतकरण में पहले से विद्यमान रहती है, किंतु कुछ जीव इन घृणित कार्यों को भोगने में लग जाते हैं और फलस्वरूप वे गिरकर निम्न पद पर आ जाते हैं। जो जीव जितना ही पतित जीवन की अभिलाषा करता है वह उतना ही कुत्सित रूप धारण करने हेतु नीचे गिरता जाता है। यह देहांतरण तथा विकास की प्रक्रिया है। कोई पशु विशेष किसी एक इंद्रिय सुख भोगने की प्रबल भावना से युक्त हो सकता है, किंतु मनुष्य को सभी इंद्रियों का भोग कर किंतु मनुष्य तो सभी इंद्रियों का भोग कर सकता है। मनुष्य जीवन में सभी इंद्रियों को भोगने की सुविधा होती है। जब तक समुचित शिक्षा नहीं दी जाती तब तक वह भौतिक प्रकृति के गुणों का शिकार होता रहता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। प्रकृति क्रिया मानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता महेति मन्यते। मोहग्रस्त जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को उन कर्मों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। जैसे ही मनुष्य अपने इंद्रियों का भोग करना चाहता है वो अपने आप को भौतिक शक्ति के अधीन बना लेता है
और स्वतः जन्म मृत्यु के चक्र में आ पड़ता है। हरे कृष्ण। अच्छा उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कोई अच्छे परिवार संस्कारी परिवार में होता है, फिर भी एक ना एक व्यक्ति परिवार में ऐसा निकल ही जाता है जो अनैतिक कार्य करता है, जुआ खेलता है, मांस खाता है, या जो भी कोई अनैतिक कार्य है जो परिवार के संस्कारों से मेल नहीं खाता, ऐसा कार्य करता है। उसी प्रकार से जीवात्मा भगवान का अंश है, लेकिन कुछ जीवात्मा ऐसी बदमाश होती हैं जो भौतिक संसार में आना चाहती हैं, जो भौतिक क्रिया करनी चाहती हैं। वो फिर अपने कर्मों के अनुसार शरीर को धारण करती हैं, सर्वप्रथम मनुष्य जीवन में आती हैं, लेकिन फिर अपने कर्मों के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार निम्न योनियों में जाती चली जाती हैं। बुद्धिम तु प्रमदाम विद्यान मामहम नीति जत कृतम जामदिष्ठाय देहेस्मिन उमान भुंते शभीर गुणान। अक्रूर प्रभु अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, इस प्रसंग में उल्लेखित प्रमदा शब्द भौतिक बुद्धि या अविद्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसे इसी रूप में समझो, जब मनुष्य ऐसी बुद्धि का आश्रय लेता है तब वह अपने आप को शरीर समझ बैठता है। मैं तथा मेरी की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर वह इंद्रियों से दुख तथा सुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ जाता है। तो फिर जो स्त्री के साथ पुरंजन की भेंट हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं, वो है भौतिक बुद्धि या विद्या। अब मान लीजिए आप अभी तक रुकते दो अध्याय बाद ये सुनने के लिए, तो आपको पीछे की कहानी याद ही नहीं रहती। इसलिए प्रभुपाद ने कृपावश वहीं पर ये सब सिद्धांत बता दिए थे जो नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं। तात्पर्य अर्चना माता जी, इस भौतिक संसार में तथा कथित बुद्धि वास्तव में अविद्या है। बुद्धि के विमल होने पर इसे बुद्धि योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की इच्छाधीन हो जाती है तो वह बुद्धि योग या भक्ति योग कहलाती है। अतः श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। जो लोग मेरी सतत भक्ति करने तथा प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। वास्तविक बुद्धि का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ना। जब ऐसा हो जाता है तो श्री भगवान अंतःकरण से वास्तविक बुद्धि प्रदान करते रहते हैं जिससे मनुष्य श्री भगवान के धाम को वापस जा सकता है। इस श्लोक में भौतिक बुद्धि का प्रमदा के रूप में वर्णन किया गया है क्योंकि इस भौतिक संसार में जीव झूठे ही वस्तुओं को अपना कहता है। वह सोचता है कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ उनका स्वामी मैं ही हूँ। यह अज्ञान है, वास्तव में उसका कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि शरीर तथा इंद्रियां भी उसकी नहीं होती क्योंकि ये उसे श्री भगवान की प्रेरणा से भौतिक शक्ति द्वारा उसकी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रदान की गई हैं। वास्तव में जीव का कुछ भी नहीं होता किंतु वह प्रत्येक वस्तु के पीछे पगलाया रहता है और कहता है, यह मेरी है, यह मेरी है, यह मेरी है। जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। यही मोह है। जीव का कुछ भी नहीं है किंतु वह हर वस्तु को अपनी बताता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं कि इस मिथ्या बुद्धि को मार्जित करना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम। जब बुद्धि रूपी दर्पण चमकने लगता है तब जीव के असली कार्य प्रारंभ होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब मनुष्य कृष्ण चेतना को प्राप्त होता है तब उसकी असली बुद्धि कार्य करती है। उस समय उसे ज्ञान होता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान श्री कृष्ण की है, मेरी नहीं। जब तक मनुष्य हर वस्तु को अपनी मानता है तब तक वह भौतिक चेतना में रहता है, और जब वह पूरी तरह समझ जाता है कि हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है तो वह कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। बाह्य रूप से केवल बदलाव से काम नहीं बनेगा। व्यक्ति बाह्य रूप से बदलाव ले आएगा, धोती कुर्ता पहन लेगा, लेकिन अगर चेतना उसकी मैं और मेरे की है तो ये अविद्या है। और चाहे कोई व्यक्ति बाह्य दृष्टि से दिख रहा हो कि ऑफिस जा रहा है, कार्य कर रहा है, व्यापार कर रहा है, लेकिन चेतना यदि है कि सब कुछ कृष्ण का है, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, तो ये आध्यात्मिक बुद्धि का लक्षण है। तो बंधन का कारण है अहम ममेति, मैं और मेरा, भौतिक आसक्ति। सखाय इंद्रिय गणा ज्ञानम कर्म च यत्कृतम सख्यस्तद्वृत्तया प्राणा पंचवृत्ति यथोरगा। अदिति माता जी, पांचों ज्ञानेन्द्रिय तथा पांचों कर्मेंद्रिय पुरंजनी के नर मित्र है। जीव को इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने तथा कार्य में प्रवृत्त होने में सहायता मिलती है। इंद्रियों के व्यापार
उसकी सखिया है और वह सर्प जिसे पांच फनों वाला बताया गया है, पांच प्रकार की क्रियाओं के भीतर कार्यशील प्राणवायु है। तो ये हमने पढ़ा किस प्रकार पुरंजन अलग अलग इंद्रियों की सहायता से जाता था। आपको याद है दो अंधे मित्र थे, हाथ और पैर, फिर अलग अलग मित्रों की सहायता से अलग अलग द्वारों से बाहर जाता था, जैसे दृष्टि के माध्यम से, आंखों के माध्यम से दृष्टि के वन में जाता था, जिह्वा के माध्यम से स्वाद के वन में जाता था। वहां दो चीजें होती थी, स्वाद भी मिलता था और बोलने की भी प्रवृत्ति होती थी। इस तरह अलग अलग जो मित्र है वो इंद्रियां हैं और वो जो पांच फनों वाला सर्प है वो प्राण है। ये अभी नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं। प्रफुल्ल प्रभु, प्रश्न बहिर्मुख अच्छा भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जा पटिया धरे। भौतिक जगत को भोगने की इच्छा से जीव स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक देह ओढ़े हुए रहता है। इस तरह उसे इंद्रियों को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है, अतः वे इंद्रियां भौतिक जगत को भोगने की साधन है। फलतः इंद्रियों को मित्र कहा गया है। कभी कभी अत्यधिक पाप कर्म करने से जीव को स्थूल शरीर नहीं मिल पाता, अतः वह सूक्ष्म रूप से मंडराता रहता है। यह प्रेत जीवन कहलाता है। स्थूल शरीर न प्राप्त कर पाने के कारण वह सूक्ष्म शरीर से अनेक कष्ट पैदा करता है। अतः जो लोग स्थूल शरीर में रह रहे हैं उनके लिए भूत प्रेत की उपस्थिति भयावह है। श्रीमद् भगवद गीता 15.10 में उल्लेख है, उत्क्रामंतम स्थितम वापुभुञ्जनाम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख व्यक्ति न तो यह समझ सकता है कि जीव अपने शरीर को कैसे छोड़ सकता है, न यही कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। किंतु जिनकी आंखों को ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त है वे यह सब देख सकते हैं। जीव प्राणवायु में समाहित है जो संचरण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। क्योंकि प्राणवायु प्राण अपान उदान व्यान तथा समान पांच प्रकार से कार्य करती है, अतः इसकी तुलना पांच फनों वाले सर्प से की गई है। कुंडलिनी के विभिन्न चक्रों से होकर आत्मा सर्प की भांति रेंगता है। प्राणवायु की तुलना उरक सर्प से की जाती है। पंचवृत्ति पांचों इंद्रियों इंद्रिय विषयों रूप स्वाद ध्वनि गंध एवं स्पर्श के द्वारा आकृष्ट इंद्रियों की तुष्टि की इच्छा है। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस पे ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, इसको पढ़ के ही जाएंगे। एक तरह से रिवीजन ही है कि किस तरह जो आसक्तियां पुरंजन को बांधी हैं, किस तरह इंद्रियों के बल से वो भौतिक आकर्षण में फंसा है, कैसे भगवान को भूल गया है, ये सब हमने पिछले दो तीन अध्याय में पढ़ा है, उसका ही यहाँ पर अभी रिविजन चल रहा है। बृहद बलम मनोविद्यात उभयेन्द्रिय नायकम पांचाल पंच विषया जन्मध्ये नवखम पुरम। ओजस्विनी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ग्यारहवां सेवक जो अन्यों का नायक है, मन कहलाता है, वो कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों इन दोनों का नायक है। पांचाल राज्य वह वातावरण है जिसमें पांच इंद्रियां पदार्थों विषयों का भोग किया जाता है। इस पांचाल राज्य के भीतर शरीर रूपी नगर है जिसमें नौ द्वार हैं। हरे कृष्ण। मंजू माता जी, तत्पर तात्पर्य, मन समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु है, जिसे वह दल कहा जाता है। माया के चुंगल से निकलने के लिए मनुष्य किसी को अच्छा प्रबंधक मिल जाता है। चंगुल से निकलने के लिए मनुष्य को मन में नियंत्रण रखना होता है। प्रेक्षण के अनुसार मन जीव का मित्र है और शत्रु भी है। यदि किसी को अच्छा प्रबंधक मिल जाता है तो उसकी जायदाद की व्यवस्था ठीक से होती है, किंतु यदि प्रबंधक चोर हुआ तो सारी जायदाद तहस नहस हो जाती है। इसी प्रकार जीव अपनी भौतिक बद्ध अवस्था में अपनी कार्याधिकार अपने मन में सौंप देता है। फलस्वरूप विषयों के भोगने में वह मन द्वारा भ्रमिक किया जा सकता है। अतः शील अम्बरीश महाराज ने अपने मन को पहले भगवान के चरणों में लगाया। सा सा वे मनः कृपा पदारविन्दो। जब मन भगवान के चरण कमलों में ध्यान में संलग्न हो जाता है तो इंद्रिय वश में रहती है। नियंत्रण की यह पद्धति यम कहलाती है, जिसका अर्थ है इंद्रियों का नियमन। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह गोस्वामी कहलाता है, किंतु जो
जो उसको मन में नहीं कर पाता वह गोदास कहलाता है। मन इंद्रियों के कार्य को निर्देशन करता है जो विभिन्न छिद्रों द्वारा व्यक्त होते हैं, जिसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। हरे कृष्ण। इंद्रियों को दोष देने से काम नहीं चलेगा, इंद्रियों का स्वामी है मन। प्रभुपाद कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। आपका मैनेजर अच्छा हो तो आपके स्टाफ को, आपके एसेट्स को, आपके व्यापार को मैनेजर बड़े अच्छे से देख लेता है, और मैनेजर ही गड़बड़ हो तो वो सब डुबा देगा। उसी तरह हमारी इंद्रियों का मैनेजर है मन। अगर ये मन सशक्त है, मन यदि भगवान के चरणों में लगा है, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा। हम लोग बोलते भी है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन मन यदि भगवान की सेवा में नहीं लगा है तो वो हमको भगवान से दूर ले जाएगा। और वास्तव में समस्या सारी मन की है। हम जब जप करने बैठते हैं, समस्या कौन करता है? मन ही करता है। मन ही बोलता है कि अरे पैर दुख रहा है, अरे अब रहने दो, अभी सो जाओ। मन ही हमको परेशान करता है। इसलिए मन को सबसे पहले भगवान की सेवा में लगाना आवश्यक है। अक्षिणी नासिके कर्णौ मुखम शिश्ना गुदावती द्विद्वे द्वारौ बहिर्जाति जस्तत इंद्रिया संयुता। परमेश्वरी माता जी, आंखें, नथुने तथा कान, ये द्वारों की जोड़ियां एक स्थान पर स्थित हैं। मुंह, शिशन तथा गुदा भी अन्य द्वार हैं। इन नौ द्वारों वाले शरीर में स्थित होकर जीव बाह्यतः भौतिक जगत में कार्य करता है और रूप तथा स्वाद जैसे इंद्रिय विषयों का भोग करता है। तो सारे जो इंद्रियां थे, नौ द्वार हैं, उनमें से हम लोग देखते हैं आंखें, नथुने, कान, ये तो पास पास में है ही, मुख भी है, और दो हमारी जननेन्द्रिया और निकास स्थान मल मल का, ये थोड़ा दूर है। तो ये सब का वर्णन हमने पहले पढ़ा है। तात्पर्य ये भूमिका माता जी, अपनी आध्यात्मिक स्थिति से अवगत न रहते हुए जीव मन के द्वारा निर्देशित होकर इन नौ द्वारों से भौतिक वस्तुओं का भोग करने करने बाहर जाता है। इन भौतिक वस्तुओं के साथ अपने दीर्घ संपर्क के कारण वह अपने वास्तविक आध्यात्मिक कार्यों को भूल जाता है और इस तरह दिग्भ्रमित हो जाता है। सारा संसार तथाकथित वैज्ञानियों तथा विचारकारों के नेतृत्व में दिग्भ्रमित हो रहा है, जिन्हें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार बद्ध जीव अधिकाधिक पछता जाता है। तो कोई भी ये नहीं सिखाता कि इंद्रियों का दमन कैसे करना है। सब यही बोलेंगे कि कैसे अपनी एक एक इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा निचोड़ो, और इसी कारण से लोग और ज्यादा भौतिकता में फंसते चले जा रहे हैं, और उनकी आध्यात्मिक खुराक ना मिलने के कारण दुखी हैं। अक्षिणे नासिकेयस्यम इति पंच पुरः कृता दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तरा स्मृता पश्चिमे इति यदो द्वारो बुदम शिष्णम इभोच्यते। नमिता माता जी, राजीव प्रभु, पढ़िए तात्पर्य और अनुवाद। हरे कृष्णा। प्रभु, दो आंखें, दो नथुने तथा मुंह, ये पांचों सामने स्थित हैं। दाहिना कान दक्षिणी द्वार है और माया कान उत्तरी द्वार है। पश्चिम की ओर स्थित दो छिद्र या द्वार गुदा तथा शिश्न कहलाते हैं। तात्पर्य, समस्त दिशाओं में से पूर्व दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य उधर से उदय होता है। इस प्रकार पूर्वी दिशा के द्वार आंखें, नाक तथा मुंह शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण द्वार है। खद्योताभिर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपं विभ्राजितं ताभ्यं विचष्टे चक्षुषेश्वरः। रेखा माता जी, दो तथा आवर के नाम से जिन दो द्वारों का वर्णन किया गया है वे एक स्थान पर अगल बगल स्थित दो नेत्र हैं। विभ्राजित नामक नगरी को रूप समझना चाहिए। इस प्रकार दोनों नेत्र सदैव विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं। तात्पर्य, दोनों नेत्र प्रकाश जैसे चमकीले पदार्थों से आकर्षित होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे छोटे कीड़े अग्नि के प्रकाश से आकर्षित होकर उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जीव के दोनों नेत्र चमकीले तथा सुंदर रूपों के प्रति आकृष्ट होते हैं। वे उनमें उसी प्रकार फंस जाते हैं जिस प्रकार अग्नि से आकर्षित होकर कीड़े। हरे कृष्ण। तो सारी इंद्रिय अपनी अपनी ओर खींचती है। आंखें
कुछ अच्छी वस्तु देख लेती उसकी तरफ खींचती। हमने देखा है आग में कैसा पतंगा आकर्षित होता है और सीधा आग में प्रवेश कर जाता है और जल के एकदम राख बन जाता है। उसी तरह सारी इंद्रिय हमको अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं और अपने अपनी तरफ भोग करने के लिए। बस नलली नालनी ना से गंधा सौरभ उच्यते घ्राणो वधूत मुख्यास्यम विपणो वाक् रस विद्रसा। अनिकेत प्रभु अनुवाद तात्पर्य। नलिनी तथा नालिनी नामक दोनों द्वार दो नास छिद्र नथुने हैं और सुगंध को सौरभ नामक नगरी भी कहा गया है। अवधूत नामक मित्र घ्राणेन्द्रिय है। मुख्या नामक द्वार मुख है और विपण वाक शक्ति है। रसज्ञ ही स्वाद की इंद्रिय जीभ है। तात्पर्य अवधूत का अर्थ है सर्वथा मुक्त। अवधूत अवस्था प्राप्त कर लेने पर मनुष्य किसी प्रकार के यम नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता। दूसरे शब्दों में वह जिस तरह चाहे कार्य कर सकता है। यह अवधूत अवस्था वायु की भांति है जो किसी प्रकार के अवरोध की परवाह नहीं करती। भगवद गीता में कहा गया है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। प्लीज स्क्रोल डाउन। हे कृष्ण, यह मन अस्थिर मथने वाला जिद्दी तथा अत्यंत बलिष्ठ है और मेरी समझ में इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। जिस प्रकार वायु किसी के रोके नहीं रुकती, उसी प्रकार दोनों नथुने एक ही स्थान पर स्थित होकर बिना अवरोध के गंध का अनुभव करते रहते हैं। जीभ के होने से मुंह सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का निरंतर स्वाद लेता रहता है। हरे कृष्ण। आपणो व्यवहारुत्र चित्रम अंध बहुदनम पित्रहोर दक्षिणा कर्ण उत्तरो देवहु स्मृता। कमल सिंह प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, आप अपना नामक नगर जीभ के बोलने के कार्य की सूचक है और वो बहुधन तरह तरह के व्यंजनों का सूचक है। दायां कान पितृहू द्वार कहलाता है और बायां कान देहू द्वार। प्रवृत्तम च निवृत्तम च शास्त्रम पंचाल संगीतम पितृयानम देवजानम श्रोत्र श्रुताधरात व्रजेत। गौरी शंकर प्रभु नारद मुनि ने आज्ञा का दक्षिण पश्चात कही जाने वाली नगरी सकाम कर्म में भोग की विधि अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को बताने वाले शास्त्रों की सूचक है। उत्तर पश्चात नामक अन्य नगरी निवृत्त मार्ग सकाम कर्म को घटाने तथा ज्ञान को बढ़ाने वाला मार्ग है। बताने वाले शास्त्रों के लिए प्रयुक्त है। जीव को ज्ञान की प्राप्ति दो कानों द्वारा होती है और कुछ लोग पितृलोक तथा कुछ देवलोक को जाते हैं। यह सब दोनों कानों द्वारा संभव होता है। तो अलग अलग इंद्रियों के विषय में आगे बता रहे हैं किसका क्या कार्य है। एक तरह से हमारा रिवीजन ही है, तो इसको पढ़ के हम समझेंगे, ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। सरिता माता जी। वेदों को श्रुति कहते हैं और कौनों के द्वारा उनसे प्राप्त करना सुंदर कहलाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्य केवल श्रवण करने से देव लोग या पितृ लोग यहाँ तक कि वैकुंठ लोग को जाते हैं। इन सब की व्याख्या पिछले अध्याय में की जा चुकी है। आसुरी मेढम अर्वाग द्वारा व्यवायो ग्रामीणम रति उपस्थो द्रुमदः प्रोक्तो निरृतेर्गुद उच्यते। विनोद प्रभु। ग्रामक नामक पुरी जहाँ निचले आसुरी द्वार कृष्ण से पहुंचा जाता है स्त्री सेवास के लिए है, जो उन सामान्य पुरुषों के लिए अत्यंत मूर्ख है जो निरे मूर्ख एवं धूर्त हैं। जननेन्द्रिया दुर्मद कहलाती है और गुदा निष्कृति कहलाती है। हरे कृष्ण। आशा माता जी। तात्पर्य, यह संसार का अधःपतन होता है तो सभ्यता आसुरी हो जाती है और सामान्य लोग अत्यंत गंभीरता से गुदा तथा कृष्ण को समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु मान बैठते हैं।
यहाँ तक कि वृंदावन जैसे पवित्र स्थान के लोग भी बुद्धदास कृष्ण व्यापार को आध्यात्मिक कर्म मानते हैं। ऐसे लोग सहजिया कहलाते हैं। उनकी विचारधारा के अनुसार संभोग क्रिया में रत रहकर लोग आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकते हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों से यह प्रकट प्रकट होता है कि संभोग तुष्टि की इच्छा तो निम्न लोगों अब अरवाक के लिए है। ऐसे मूर्खों को रास्ता पर लाना कठिन है। इन श्लोकों में निम्न लोगों की काम वासना की भर्त्सना की गई है। दुर्मद शब्द का अर्थ कुनिर्देशित और निरीति का अर्थ पाप कर्म है। यद्यपि इससे स्पष्ट होता है कि सामान्य दृष्टि से भी काम आसक्ति ग्रहित और दुर्लक्षित है, फिर भी सहजिया अपने आप को आध्यात्मिक कर्मों में रत भक्त मानते हैं। फलतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अब वृंदावन नहीं जाता। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि आखिर हमने वृंदावन को अपना केंद्र बनाया। ऊपरी तौर से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन सहजिया लोगों के कार्यकलापों से वृंदावन पतित हो चुका है, फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन ही एक ऐसा स्थान है जहाँ ये समस्त पापी पुरुष कुत्तों शुकरों तथा बंदरों का जन्म लेकर उभरते हैं। वृंदावन में ऐसी योनि में रहकर अगले जन्म में वे सब आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना आध्यात्मिक उन्नति करने का सबको शौक है, लेकिन नियम पालन करने का शौक नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे लोगों को सहजिया बोलते हैं। जिनको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, इंद्रियों का दमन उनको करना सीखना ही होगा। हम लोग घरों में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे नियम ब्रह्मचारियों के लिए हैं। घर में रहते हुए भी इंद्रियों का निग्रह करना भक्ति के लिए आवश्यक है, और उसी प्रकार से हमारी तपस्या हमको करनी है। जितना शरीर के लिए आवश्यक है, जितना भक्ति के लिए आवश्यक है, उतना हमारी इंद्रियों का भोग करना ठीक है। खाना उतना ठीक है, सोना उतना ठीक है, बाकी चीज उतना ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा करना ये इंद्रिय भोग भक्ति में बाधा बनेगा। वैशसम नरकम् पायुः लुब्धको अंधौ तु मे शृणु हस्तपादौ पुमांस्ताभ्याम युक्तो याति करोति च। प्रमोदानंद प्रभु जी, अरे कृष्ण, ये कहा जाता है कि पुरंदर वैश्य जाता है, तो उसका अर्थ है कि वह नरक जाता है, उसके साथ लूबब रहता है जो गुदा नामक कमेंद्रिया है। इससे पूर्व मैंने दो अंधे साथियों का भी उल्लेख किया था। इन्हें हाथ तथा पांव समझना चाहिए। जीव हाथ तथा पांव की सहायता से सभी प्रकार के कार्य करता है और इधर उधर जाता है। अरे कृष्ण, अंतःपुरं च हृदयं विषुचिर्मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः। मधु माता जी, आरती माता जी, अनुवाद तात्पर्य। अंतःपुर हृदय का सूचक है। विषुचिन सर्वत्र जाते हुए मन को बताने वाला है। जीव मन के भीतर भौतिक प्रकृति के गुणों का भोग करता है। ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते तो कभी संतोष तथा उल्लास। तात्पर्य, इस भौतिक संसार में जीव का मन तथा बुद्धि भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं और इन गुणों की संगति के अनुसार मन इधर उधर जाने का आदी हो जाता है। उसी के अनुसार हृदय संतोष उल्लास या भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव का अनुभव करता है। वास्तव में जीव उनकी भौतिक अवस्था में निष्क्रिय रहता है। भौतिक प्रकृति के गुण ही मन तथा हृदय पर कार्य करते हैं और जीव उनके फलों को भोग करता है। श्रीमद् भगवद् गीता में स्पष्ट कहा गया है, प्रकृतये क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता मति मन्यते। मोहग्रस्त आत्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वश में होकर अपने आप को सम्मत कर्मों का कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। यथा यथा विकीर्यते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथा पदा पृष्टात्मा तद्वृत्तिर अनुकार्यते। मुख्य गोपी माता जी, पहले यह बताया जा चुका है कि रानी मनुष्य की बुद्धि है। सोते समय या जागते हुए बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दूषित बुद्धि के कारण जीव कुछ सोचता है और अपनी बुद्धि के कार्य कारणों का केवल अनुकरण करता है। किरण माता जी, दीप्ति माता जी,
राजा पुरंजन की रानी को यहाँ पर साक्षात बुद्धि कहा गया है। बुद्धि स्वप्न तथा जागृत दोनों ही अवस्था में क्रियाशील रहती है, किंतु यह प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित हो जाती है। बुद्धि के दूषित होने से जीव भी दूषित हो जाता है। बद्ध अवस्था में जीव अपनी दूषित बुद्धि के अनुसार ही कार्य करता है, यद्यपि वह मात्र दर्शक बना रहता है, फिर भी दूषित बुद्धि द्वारा बाध्य होकर वह कार्य करता है, किंतु वह रहता है अप्रत्यक्ष कर्ता के रूप में ही। हरे कृष्ण। यहाँ तक अध्याय 25 का रिवीजन है। यहाँ तक अध्याय 25 में जो जो कहानी नारद मुनि ने समझाई उसके मतलब क्या, किस चीज को संबोधित करते हैं वो सिखाया। आगे चार चार पांच श्लोकों में अध्याय 26 27 इन दोनों का भी वर्णन कर रहे हैं। देहो रत, अच्छा अध्याय 25 तक में ये था कि पुरंजन कैसे अपनी नगरी बसाता है, कैसे अपने दोस्तों के साथ अलग अलग कार्य करता है, द्वारों से बाहर जाता है इत्यादि। अध्याय 26 में था पुरंजन शिकार करने के लिए बाहर जाता है, तो उसका वर्णन ये दो तीन श्लोकों में आगे किया है। देहो रतस्त इंद्रिया इंद्रिया श्व संवत्सरो रयो गते द्विकर्ण चक्र स्त्रिगुणा ध्वजा पंचासु बंधुरा मनोरश्मिर बुद्धिसु तो ऋणीडो द्वंद्व कुबरा पंचेन्द्रियार्थो प्राक्षेप सप्त धातु वरुत्थका आकुतिर विक्रमो भायो एकादशेन्द्रिया चा मुहा पंचसुना विनोदकृत निगतृष्णाम प्रधावती। हिमांशी माता जी, श्री नारद मुनि ने आगे कहा, जिसे मैंने रथ कहा था वह वास्तव में शरीर है। इंद्रियां ही वह घोड़े हैं जो रथ को खींचते हैं। जो जो वर्षानुवर्ष समय बीतता जाता है, यह घोड़े बिना किसी अवरोध के दौड़ते हैं, किंतु वास्तव में वे कोई प्रगति नहीं कर पाता। पाप तथा पुण्य इस रथ के दो पहिए हैं। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण इस रथ की ध्वजाएं हैं। पांच प्रकार के प्राण जीव के बंधन बनते हैं और मन की रस्सी रजो माना जाता है। बुद्धि इस रथ की सारथी है। हृदय रथ में बैठने का स्थान है और हर्ष तथा पीड़ा जैसे द्वंद्व जुए हैं। सातों तत्व धातुएं इस रथ के आहोर आवरण है। पांचों कर्म इंद्रियां उसकी पांच प्रकार की भार्या गतियां हैं और ग्यारहों इंद्रियों सैनिक हैं। इंद्रिय सुख के मग्न रहने के कारण रथ पर बैठा हुआ जीव झूठी अभिलाषाओं के को पूरा करने हेतु इतराता है और जन्म जन्मांतर तक इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। पुरंजन के रथ का वर्णन है, किस प्रकार शरीर रूपी रथ पर बैठ करके जीवात्मा अनेक अनेक कार्य सिद्ध करने के लिए भौतिक संसार में क्रियाशील रहता है। तात्पर्य अमित प्रभु। तात्पर्य, इन श्लोकों में इंद्रिय सुख में जीव की लिप्तता का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। संवत्सर अर्थात काल को आगे बढ़ना शब्द महत्वपूर्ण है। जीव दिन प्रतिदिन, सप्ताह प्रति सप्ताह, पाक प्रति पाक, महीना दर महीना, वर्ष दर वर्ष रथ की प्रगति में उलझता जाता है। यह रथ दो पहिए पर टिका है, जो पाप कर्म तथा पुण्य कर्म है। जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्म के अनुसार विशिष्ट तरह का शरीर पाकर विशेष स्थिति प्राप्त करता है, किंतु विभिन्न शरीरों में उसके देहांतरण की को प्रगति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक प्रगति की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की गई है, त्यक्त्वा देहं देहं पुनर्जन्म नेति। जब दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करना होता तभी मनुष्य वास्तविक प्रगति करता है, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्ष योनि ते करिये भ्रमण। जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमता रहता है और विभिन्न ग्रहों में विविध विविध योनियों में जन्म लेता रहता है। इस प्रकार वह ऊपर नीचे घूमता है, किंतु वह वास्तविक प्रगति नहीं है। वास्तविक प्रगति तो इस भौतिक जगत में पूरी तरह से छूटना है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अब्रह्मा भ्रुवन भुवन लोके लोकः पुनावृत्ति अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस भौतिक संसार में सबसे ऊंचे लोक से लेकर सबसे निम्न लोक तक सभी दुख के स्थान है, जहाँ बारम्बार जन्म तथा मृत्यु होती रहती है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता। यदि कोई ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी पा लेता है तो भी उसे पुनः अधोलोक में उतरना पड़ता है। इस प्रकार वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर निरंतर ऊपर नीचे घूमता रहता है।
किंतु मोहग्रस्त होने के कारण वह सोचता है कि वह प्रगति कर रहा है। वह उस वायुयान के समान है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर निकलने में अक्षम होने के कारण लगातार पृथ्वी के चक्कर काटता रहा होता है। वास्तव में वायुयान कोई प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा होता है। जिस प्रकार राजा रथ पर आरूढ़ होता है उसी तरह जीवात्मा शरीर में आसीन है। उसके बैठने का स्थान हृदय है जहां वह जीवन संघर्ष में जुटा रहता है और यह संघर्ष बिना किसी प्रगति के अनवरत चलता रहता है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों में, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड, अमृत बलिया ये बा खाए, नाना योनि सदा फिरे, करदय भक्षण करे, तार जन्म अध पाए पाते याए। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के प्रभाव में आकर जीव अत्यधिक संघर्ष करता है और एक के बाद एक विविध योनियों में वह विभिन्न शरीर प्राप्त करता रहता है। वह सभी प्रकार के गरीब भोजन करता है और अपने सुख भोग के कार्यों द्वारा धिक्कारा जाता है। यदि कोई सचमुच जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे कर्म कांड तथा ज्ञान कांड की विविध विधियों को त्याग देना चाहिए। कृष्ण चेतना में स्थिर होने पर मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के बंधन तथा व्यर्थ जीवन संघर्ष से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर मृत तृष्णाम रधावती पद अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जीव इंद्र सुख की प्यास से प्रभावित होता है। वह उस मृग के तुल्य है जो मरुस्थल में पानी की खोज के लिए निकलता है। मरुस्थल में पशु द्वारा पानी की खोज व्यर्थ जाती है, सचमुच में वह पानी तो रहता नहीं। हाँ, पशु उसे ढूंढने के प्रयास में अपने प्राणों की बलि जरूर चढ़ा देता है। प्रत्येक व्यक्ति यह सोचकर भावी सुख की योजना बनाता है कि यदि वह किसी तरह अमुक स्तर पर पहुंच सके तो सुखी हो सकता है, किंतु वह जब वह वास्तविक रूप से उस स्थान पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां कोई सुख नहीं, तब वह और आगे किसी दूसरे बिंदु तक पहुंचना चाहता है। यही मृग तृष्णा कहलाती है और इस भौतिक जगत का इंद्रिय सुख इसकी आधारभूत भूमि है। हरे कृष्ण प्रभु। रेगिस्तान में अगर जल पीने की आकांक्षा से इधर उधर भागे दौड़े तो उसकी प्यास ही बढ़ने वाली है, उसको पानी नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार से ये भौतिक संसार जो दुख का आलय है, इसमें आनंद ढूंढने के लिए प्रयत्नशील रहता है, बड़ा व्यस्त दिखता है कि हाँ देखो हम कितना काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, बड़े थक जाते हैं, लेकिन वो खाक छानने के समान कार्य है जिसमें कोई आनंद नहीं मिलने वाला। संवत्सरस चंडवेगा कालो येनोपलक्षितः तस्याहानेन गंधर्वा गंधर्वयो रथयो स्मृता हरन्त्यायु परिक्रांत्या षष्टियुत्तरशत्रयम्। अभी अध्याय 27 का रिवीजन कर रहे हैं, 25 का करा 17 तक, पिछले 3 श्लोकों में किया 26 अध्याय, और अभी नारद मुनि 27वें अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं। अनीता साहू माता जी, अनुवाद तात्पर्य। जिसे पहले चंडवेग अर्थात शक्तिशाली काल कहा गया था वह दिन तथा रात से बना है, जिनके नाम गंधर्व और गंधर्वी हैं। शरीर की आयु दिन तथा रात के बीतने से क्रमशः घटती जाती है, जिनकी संख्या 360 है। तात्पर्य, परिक्रांतिया शब्द का अर्थ है भ्रमण करके। जीव अपने रथ पर वर्ष के 360 दिन तथा रात भ्रमण करता रहता है। जीवन के 360 दिन तथा रात को पूरा करने के लिए किए गए वृथाश्रम को जीवन की प्रगति मान लिया जाता है। दो लोगों ने आक्रमण किया था, एक चंडवेग ने 360 सिपाहियों के साथ, मतलब दिन और रात का आक्रमण, और दूसरा कालकन्या ने, उसका वर्णन 22 श्लोक। कालकन्या जरा साक्षा लोकस्तम नाभिनंदति स्वसारम जगृह मृत्यु क्षयाया जवनेश्वरः। मीनू माता जी, अनुवाद तात्पर्य। जिसे काल कन्या कहा गया है उसे वृद्ध अवस्था समझना चाहिए। कोई भी वृद्ध अवस्था नहीं स्वीकार करता करना चाहता, किंतु यवन राज जो साक्षात मृत्यु है जरा को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है। तात्पर्य, शरीर के भीतर बंदी जीव काल कन्या अर्थात वृद्ध अवस्था को मृत्यु के तुरंत पहले स्वीकार करता है। यवन राज मृत्यु अर्थात यमराज का प्रतीक है। यमराज के पास जाने से पूर्व जीवात्मा जरा अर्थात वृद्ध अवस्था को, जो यवन राज की बहन है, स्वीकार करता है। अपवित्र कार्यों के फल स्वरूप मनुष्य यवन राज तथा उसकी बहन के वश में आ जाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं और नारद मुनि द्वारा बताई गई भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें यवन राज तथा उसकी बहन जरा से प्रभावित नहीं होना पड़ता। कृष्ण भक्त होकर मनुष्य
मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद वह दूसरा भौतिक शरीर ना धारण करके घर को अर्थात भगवान के पास वापस जाता है। इसकी संपुष्टि भगवत गीता में हुई है। आद्यो व्यद्यास्तस्य सैनिका जवनश्चरा भूतोपसर्गौ सूरया प्रज्वरो द्विविधो ज्वरा एवं बहुविधैर्दुःखै देवभूतात्मसंभवै क्लिश्यमाना सतं वर्षं देहदेही तमोवृता प्राणेन्द्रिया मनोधर्मान् आत्मने अध्यस्य निर्गुणा शेते कामलवान् ध्यानं मामहं इति कर्मकृत। अच्छा, एक और सोचने वाली बात है, अगर प्राचीनी वरी नारद मुनि से पूछते ही नहीं कि इसका मतलब क्या है तो शायद नारद मुनि कहानी सुना के चले जाते। उसी प्रकार से गुरु शिष्य का स्तर भी देखते हैं, कहानी तो बहुत सुनाते हैं, कथा भी देते हैं, लेकिन प्रश्न से पता पड़ता है शिष्य कितना गंभीर है, किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। फिर गुरु और गुह्यतम ज्ञान उन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से देते हैं। तात्पर्य अनुवाद राहुल प्रभु। हरे कृष्णा। यवनेश्वर यमराज के अनुचर मृत्यु के सैनिक कहलाते हैं, जो शरीर तथा मन संबंधी विविध क्लेश माने जाते हैं। प्रज्वर दो प्रकार के ज्वरों का सूचक है, अत्यधिक ताप तथा अत्यधिक शीत, जैसे टाइफाइड तथा निमोनिया। शरीर के भीतर लेटा हुआ जीव विविध क्लेशों द्वारा जो दैविक भौतिक तथा अपने ही शरीर तथा मन से संबंधित है विचलित होता रहता है। समस्त प्रकार के क्लेशों के होते हुए भी जीव इस संसार को भोगने की इच्छा से अनेकानेक योजनाओं में बह जाता है। निर्गुण दिव्य होकर भी जीव अपने अज्ञान के कारण अहंकार वश मैं तथा मेरा इन भौतिक कष्टों को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह इस शरीर के भीतर 100 वर्षों तक रहता है। तात्पर्य राजीव प्रभु। वेदों का कथन है, असंगो अयम पुरुषा, जीवात्मा वास्तव में इस जगत से विलग है क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं होती है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि जीवात्मा उत्कृष्ट शक्ति है और सारे भौतिक तत्व अर्थात पृथ्वी जल अग्नि निकृष्ट शक्ति हैं। इन तत्वों को भिन्न अथवा पृथक शक्ति भी कहा गया है। जब अंतरंगा या उत्कृष्ट शक्ति बहिरंगा शक्ति के संसर्ग में आती है तो उसे अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं। भगवद गीता 2.14 में भगवान ये भी कहते हैं, मात्रा स्पर्शा तो कौनते शीतोष्ण सुख दुख दा। भौतिक शरीर होने के कारण जीवात्मा को अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं, जो वायु जल अग्नि अत्यधिक ताप अत्यधिक शीत धूप अधिक भोजन अस्वास्थ्यकर भोजन शरीर के तीनों तत्वों का असंतुलन कफ पित्त तथा वायु आदि द्वारा उत्पन्न होते हैं। शरीर की आंतें गला मस्तिष्क तथा अन्य भाग सभी प्रकार के रोगों से प्रभावित होते रहते हैं, जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीव को अत्यधिक कष्ट पहुंचाते हैं, किंतु जीवात्मा इन सारे भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न रहता है। इस श्लोक में वर्णित दो प्रकार के ज्वर आज की भाषा में निमोनिया तथा टाइफाइड है। जब शरीर अत्यधिक ज्वर से ग्रस्त होता है तो टाइफाइड तथा निमोनिया होता है, जिन्हें प्रज्वर कहा गया है। अन्य जीव भी अनेक प्रकार के क्लेशों के जनक हैं, यथा सरकार कर वसूलती है तथा और अनेक चोर उचक्के तथा ठग भी हैं। अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश आदि भौतिक कहलाते हैं। दुर्भिक्ष महामारी युद्ध भूकंप इत्यादि के रूप में भी क्लेश होते हैं। ये देवताओं या हमारी शक्ति से परे अन्य स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, वास्तव में जीवों के अनेक शत्रु हैं। और इन सब का वर्णन यह दिखाने के लिए किया गया है यह संसार कितना कष्टकारक है। इस संसार के मूलभूत कष्ट को जानते हुए प्रयास यही होना चाहिए कि भौतिकता के चंगुल से छूटकर भगवान के धाम वापस जाया जाए। वास्तव में जीव इस शरीर में तनिक भी सुखी नहीं है। शरीर के कारण ही उसे भूख प्यास लगती है और वह मन वचन क्रोध पेट लिंग गुदा इत्यादि के द्वारा प्रभावित होता है। दिव्य जीवात्मा को अनेकानेक कष्ट इसीलिए घेर लेते हैं क्योंकि वह इस संसार में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। यदि वह केवल इंद्रिय तुष्टि के कार्यों से अपने को विलग कर ले और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे तो संसार की सारी समस्याएं तुरंत घट जाएं और कृष्ण भक्त में प्रगति के फलस्वरूप वह सभी क्लेशों से मुक्त होकर इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार जीवात्मा का स्वभाव ही नहीं है शरीर में रहने का, जबरदस्ती शरीर में रह रहा है और अनेक अनेक प्रयास कर रहा है आनंदित होने के। ये स्थिति में पुरंजन की स्थिति है, जहाँ उसको बलवत शरीर से छुड़ाया जाता है। आगे नारद मुनि प्राचीन बरी को जो संदेश देना चाहते हैं, श्लोक संख्या 26 से आगे हम लोग पढ़ेंगे।
कल हम लोग क्लास नहीं करेंगे, कल श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का तिरुभाव दिवस है, तो आप सब मंदिर में आइए। मंदिर में सुबह दर्शन आरती के बाद गुरु महाराज को हम एस्कोर्ट करके और ले जाएंगे ऑडिटोरियम तक, और फिर उसके बाद ऑफरिंग्स होंगी, गुरु महाराज की क्लास होगी, पुष्पांजलि होगी। कल संडे फीस्ट अलग से नहीं होगी, ये कार्यक्रम ही संडे फीस्ट कार्यक्रम है, तो सुबह दर्शन आरती में आप लोग आना। और बीच बीच में हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हैं जिससे हमारी खुराक बढ़े, अभी हमने पढ़ने के अभ्यास को बढ़ाना भी चाहिए। पहले आधे घंटे से शुरू किया था, उसमें भी पहले 20 मिनट ही पढ़ते थे, 10 मिनट क्वेश्चन आंसर करते थे, फिर आधा घंटा पढ़ने लगे, फिर बीच बीच में मैं थोड़ा चीटिंग करके 40 मिनट पढ़ने लगा, अभी कभी कभी 1 घंटा भी पढ़ता हूँ, जिससे थोड़ी खुराक बढ़नी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की अपेक्षा थी उनके भक्त 2 घंटा रोज उनकी पुस्तक पढ़े, तो हम 2 घंटा तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन बीच बीच में थोड़ी खुराक बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रमोदानंद प्रभु जी, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको